अब मेरे मेरे बॉयफ्रेंड में दरार आ रही है क्योंकि वो भी मुझे क्वेश्चन कर रहा है कि ये लड़की क्या बोल रही है, 10 हस्बैंड 10 बॉयफ्रेंड। एक लड़की को आप ऐसा बोल सकते हैं? मुझे मेरे साथ एक पहले एक रितेश का हादसा हुआ, आप जानती है वो एक एक्सीडेंट हो गया मेरे साथ, तो मतलब अभी सब लोग ये मुझे यही गिनाएंगे क्या? ये मुझे लोग ऐसे गिनाएंगे फाल्गुनी जी? कितनी दुख की बात है, मैंने अपने पूरा 20 साल मैंने बॉलीवुड में दिया, अब मेरा कसूर क्या है दोस्तों? मेरा कसूर यही है कि मैं साजिद खान के लिए खड़े हूँ, राज कुंद्रा के लिए खड़े हूँ, वो पीड़ित आदमी लोग हैं, वो पीड़ित आदमी लोग हैं, दुनिया में पीड़ित आदमी लोग हैं जिनको शर्लिन चोपड़ा ब्लैकमेल कर रही, मैं उनके लिए खड़े हूँ, उनकी औरतों को शर्लिन चोपड़ा ब्लैकमेल कर रही है, उन आदमियों को शर्लिन चोपड़ा ब्लैकमेल कर रही है कि पैसे दो वरना तुम्हारे बीवी बच्चों को स्कूलों में तुम्हारे वीडियो भेज देंगे, मैं उनके लिए उनके न्याय के लिए खड़े हूँ, तो ये मुझे कुछ भी अभद्र भाषा बोलेगी मेरे लिए? और लोग कहते राखी तुम उनके मुंह मत लग शर्लिन के, मैं क्यों ना लगूं? मैं हिपोक्रेट हूँ, मैं हाई सोसाइटी में रहती हूँ, तो क्या मुझे अपने लिए लड़ने का कोई अधिकार नहीं है? क्या ये शर्लिन चोपड़ा बार बार हमारे देश के शरीफ लोगों को और बेकसूर लोगों को इल्जाम लगाती रहेगी? तो क्या एक देश की बेटी राखी सावंत उन महिलाओं के पति के लिए, उन छोटे बच्चों के पिता के लिए, अगर मैं आके यहाँ पे उनके लिए खड़ी हूँ, न्याय मांगती हूँ और शर्लिन को मुंह तोड़ जवाब मैं देती हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ? उसने, मैं 3 दिन शूटिंग कर रही थी, उसने मेरे लिए इतनी अभद्र भाषा बोली, मैंने भी बोली उसको, मैंने भी उसको जवाब दिया, और मैं बकायदा गिदड़ बबकिया ने मेरे एडवोकेट को, नंबर 1 एडवोकेट फाल्गुनी जी को लेकर मैं आई हूँ पुलिस स्टेशन। पुलिस अपना काम करती है, हमारे हिंदुस्तान की पुलिस जिंदाबाद, नंबर 1 पुलिस है हमारी, हमारी कोर्ट जिंदाबाद। कोर्ट, अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो आपको मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए, आपको कोर्ट कचहरी जाना चाहिए, और हाँ मीडिया में आपको आपकी बात रखनी चाहिए। देखिए आप भी एक महिला है, खुदा ना करे कभी आपके हस्बैंड के साथ, पता नहीं किसके साथ, वो आप फंसा के लेके जाके गुप्रो कैमरा, कोई कैमरा हिडन में रख के गलत हो जाता है, और वही वीडियो से आपको बार बार ब्लैकमेल करें, ब्लैकमेल करना भी फाल्गुनी जी एक गुनाह है, आप बार बार ब्लैकमेल करना भी गुनाह है, वो बंदा वीडियोस बना के 2-3 बच्चों का बाप या फिर किसी का पति, किसी का बेटा, वो आत्महत्या कर लेता है शर्म के मारे कि उससे गलती चलो समझो हो गई, तो उसको बार बार पैसों के लिए, आपके ऐशो आराम की जिंदगी के लिए, बड़ी गाड़ी के लिए, बड़े फ्लैट के लिए, आपके अकाउंट में पैसा है ऐशो आराम के लिए, आप दूसरों को ब्लैकमेल करेंगे? दिस इज नॉट फेयर, मेरे देश में ये नहीं चलेगा। और राखी सावंत और फाल्गुनी जैसी समाज सेविका इन लोगों को, शर्लिन जैसी लड़की को सबक सिखाने बाहर जरूर आएंगी। थैंक यू। थैंक यू। बस मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों के, अरे बोल रहे कुछ, ये मोबाइल गिरे, बाकी कौन है दोस्तों? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, अरे अबे भूम मोबाइल पिछले, अरे भूम एक्सक्यूज मी, अरे हटा यार, रेडी दोस्तों, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, वो बेकसूरवार आदमी जो लोग हैं जिन पर एक, यहाँ पे महिलाओं को इंडिया में बहुत अच्छे कानून हैं, लेकिन कुछ महिलाएं उसका गलत फायदा उठाती है, नहीं उठाना चाहिए। साजिद खान आज एक रियलिटी शो में है, उसे पता भी नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, तो ये 4 साल कुछ नहीं करी, 5 साल 6 साल कुछ नहीं करी, नींद में सो रही थी क्या फाल्गुनी जी? ये शर्लिन चोपड़ा आज वो बिग बॉस रियलिटी शो में गया तो उसके नाम की पब्लिसिटी खा रही है, ये गलत बात है, और कोई भी बॉलीवुड से आ नहीं रहा है बोलने के लिए क्योंकि ये लोग हाई सोसाइटी से डरे हुए हैं। मैं कोई किसी से डरती नहीं हूं और मैं समाज सेविका हूं, लोगों के लिए, मेरे हिंदुस्तान के आदमियों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए मेरे दिल में प्यार है, इसीलिए मैं उनके लिए लड़ने आई हूं। दैट्स इट, थैंक यू। चलिए।